हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिसका भी आज जिसके यहाँ भी मतलब आज रामनवमी मनाई जाती हो तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ मैंने अब खाना बनाना शुरू कर दिया है, मतलब माता का प्रसाद बनेगा आज, भोग बनेगा, तो उसी की तैयारी कर ली है मैंने। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें घी डाल लिया है। आज मैं यहाँ छोले बनाने वाली हूँ और वो मैं घी में बनाऊँगी। तो यहाँ इसमें मैं कुछ डाल रही हूँ खड़े मसाले। इसमें मैंने दो लौंग डाली हैं, एक बड़ी इलायची, एक तेज़पत्ता। अब इनको थोड़ा सा मैं चला लूँगी और इसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें 1 चम्मच जीरा। आप हींग चाहें हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने नहीं डाला। अब इसके होने के बाद मैं इसमें और डाल दूँगी सूखे मसाले। और माता का भोग है इसलिए मैं घी में बना रही हूँ। आप रिफाइंड ऑयल, जो भी आप तेल यूज़ करते हो उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इसको पका लूँगी, जिससे कि हल्दी मसाले कच्चे ना रहें। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी, जिसमें मैंने एक अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च पीस लिए थे, और नमक मैंने छोले में उबलते समय ही डाल दिया था, तो इसलिए अब मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ। और अब मैं इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह से मैं ये मतलब बना रही हूँ छोले, आपको भी वैसा ही पसंद हो, लेकिन मैं उस तरह से दिखा रही हूँ जैसा कि मैं करती हूँ। मुझे अपना दिखा रही हूँ कि जो भी मेरी रेसिपी है मुझे अपना दिखाना है, तो मैं वो ही दिखा रही हूँ। मैं ये आपको नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल इसी तरह बनाएं, लेकिन अपनी अपनी मर्जी होती है। देखिए, थोड़ा बहुत मसाला इधर उधर हो जाता है सब्जी का। और मैं यहाँ इसमें देखिए कोई छोला मसाला, चना मसाला कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि पता है आपको ये माता का भोग बनना है और उसमें प्याज लहसुन होता है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। बस अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी, अभी तक मैंने नहीं डाला है, और सिंपल से मैं छोले बना रही हूँ। और इसीलिए मैंने इसमें खड़े मसाले यूज़ किए हैं कि तड़का थोड़ा सा अच्छा बने, और थोड़ा सा हलवाई स्टाइल बना रही हूँ। कलर भी मैंने उसी तरह का छोलों का रखा है, उसमें मैंने जब मैंने छोले उबलने के लिए रखे थे तो उसमें मैंने सूखा आंवला डाल दिया था, जिससे कि कलर थोड़ा सा छोले का डार्क हो जाता है, बिल्कुल एकदम हलवाई स्टाइल हो जाता है। और मुझे येलो छोले अच्छे नहीं लगते जो येलो कलर के बनते हैं। देखिए, ये नहीं है कि कभी नहीं बनाती हूँ मैं येलो, येलो भी बना लेती हूँ, लेकिन इनका कलर थोड़ा सा डार्क ही अच्छा लगता है मुझे। और आज जो छोले बने थे, सच में उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, एकदम हलवाई स्टाइल लग रहे थे। जब भी मतलब हमने टेस्ट किए थे, अभी तो नहीं किए हैं, अभी तो खैर बना ही रही हूँ, लेकिन मैं बात की बता रही हूँ, जब खाए थे तो बहुत ही टेस्ट मतलब एकदम अलग था आज। तो अब मैंने इसमें छोले डाल दिए हैं और देख सकते हैं आप, कलर थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है आज। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, जितना भी मुझे चाहिए, जैसी मुझे इसकी थिकनेस रखनी है उसी हिसाब से। तो पानी मैंने इसमें डाल दिया है जितना भी मुझे चाहिए। अब मैं इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी और दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ मैं बनाने वाली हूँ अब हलवा। और आज के दिन या फिर कल अष्टमी के दिन, जिसका भी कल फास्ट खुला है, मेरा आज खुलेगा, या अष्टमी नवमी जिसके यहाँ भी होती है, यही माता का भोग होता है। चने, छोले, हलवा, पूरी, यही होता है सबके घरों में, यही आज सबके यहाँ बन रहा होगा। तो यहाँ मैंने हलवे के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें घी डाल लिया है। घी गर्म होने के बाद अब मैं उसमें डाल दूंगी सूजी। और सूजी ली है मैंने कटोरी से, जो मतलब जो भी मैंने कटोरी ली है उसी के हिसाब से मैं चीनी लूँगी, और उसी से के हिसाब से मैं 4 गुना पानी लूँगी। और घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ना तो ज़्यादा घी का बनाती हूँ और ना ज़्यादा कम का बनाती हूँ। ज़्यादा घी का भी मुझे पसंद नहीं है, फिर मुँह में घी घी सा ज़्यादा आता है, तो इसलिए मैं नॉर्मल सा ही हलवा बनाती हूँ कि ना ज़्यादा कम हो, सूखा भी ना रहे और ज़्यादा घी भी ना तैरे। तो यहाँ मैं चलाते हुए सूजी को भून लूँगी। और जो छोले और चने, ये मैंने आज पहले ही उबाल कर रख दिए थे, मतलब नहाने के बाद मैंने सबसे पहले छोले उबलने रखे, चने उबलने रखे, और फिर मैंने पूजा की। पूजा हमारी हो चुकी है, अब बचा है माता रानी का भोग और आरती। वो हम भोग तैयार करने के बाद करेंगे, क्योंकि बीच में मुझे भोग तैयार करना पड़ा, तो इसलिए पूजा को, आरती को छोड़ना पड़ा। जो पाठ वगैरह था वो हमने पहले अपना कर लिया था आज, तो इस तरह से हुआ है हमारा। तो देखिए, सूजी का कलर चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा।
अभी और थोड़ी सी भुनेगी सूजी, और फिर इसमें मैं डाल लूँगी पानी। और पानी आप गरम ठंडा जैसा चाहें ले सकते हैं, गरम भी ले सकते हैं ठंडा भी ले सकते हैं, तो मैं दोनों तरह से बना लेती हूँ। और यहाँ मुझे एक कमेंट ध्यान आ गया है, क्योंकि वो किचन का ही कमेंट है कि आपकी चिमनी कौन सी कंपनी की है, तो यहाँ चिमनी चल रही है ना, तो इसलिए मेरे ध्यान आ गया तो मैं बता दूँ आपको। वैसे तो कमेंट में मैंने आंसर दे दिया है, मेरी चिमनी कैफ की है और बहुत अच्छा काम करती है। तो देखिए यहाँ सूजी का कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी चाहे क्वांटिटी भी, और जो भी आप लेना चाहें वो। यहाँ मैंने थोड़े से काजू बादाम और किशमिश लिए हैं, मैंने यहाँ थोड़ा सा इनको साथ साथ सूजी के भून लिया है, पहले ही डाल दिया है कि हल्के से ये भी भून जाएंगे। आप अलग से भून कर डालना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही डालना चाहें ऐसे भी डाल सकते हैं बाद में। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें डाल दूँगी मैं चीनी, और अब मैं इसमें चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और चलाते हुए इसको पकाऊँगी। थोड़ा सा ध्यान रखें, छींटे आते हैं और हलवे के छींटे इस तरह से लगते हैं, घी होता है उसके अंदर, कि थोड़ा सा हाथ जलने का डर लगता है, तो थोड़ा ध्यान से ही करें इस टाइम। तो देखिए हलवे में बॉयल आने लगा है, अब इस तरह से चलाते हुए मैं हलवे को अच्छे से पका लूँगी। और हलवा भी मैं जो थिकनेस है हलवे की, ना ज़्यादा पतली रखती हूँ और ना ही ज़्यादा टाइट रखती हूँ, मतलब मीडियम सा ही रखती हूँ। देखिए ज़्यादा जो बहुत ही थिक सा हलवा हम नहीं खाते हैं, वो एकदम सूखा सूखा लगता है, वो हम नहीं खाते, थोड़ा सा मीडियम ही रखूँगी इसको मैं। तो देखिए हलवा तैयार होने ही वाला है, और बीच में मैंने छोले भी चेक कर लिए हैं एक बार, अभी थोड़ी सी कमी थी उसमें तो मैंने फिर से उनको ढक दिया था। अब छोले भी तैयार हो जाएंगे और हलवा भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद आता है नंबर चने का, अभी चने बचे हैं, चने मैंने पानी निचोड़ कर रख दिए हैं, तो उनमें भी मुझे तड़का लगाना है, छोंकने हैं चने। तो यहाँ हलवा भी तैयार हो गया है, अब मैं इसको एक साइड कर दूंगी। देखिए मैंने चने छोंकने के लिए पैन चढ़ा लिया है, और इधर छोले मैं चेक कर रही हूँ, छोले एकदम तैयार हो गए हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, क्योंकि मैं चने घी में नहीं छोंकूंगी, फ्रिज में रखे जाते हैं ना, फिर कल काम आएंगे इतने चने, तो आज नहीं यूज़ होंगे, तो मैंने थोड़े फालतू बना लिए हैं कल के लिए, तो मैं रिफाइंड ऑयल में इनको छोंक रही हूँ, जिससे कि ये जमे ना, अगर घी में छोंकूंगी तो थोड़ा सा वो फ्रिज में रख के जम जाएंगे। और जो चने वगैरह हैं वो गरम तो नहीं किए जाते, ऐसे ही खा लिए जाते हैं चने तो, क्योंकि कल सुबह कुछ भी इसमें प्याज टमाटर या जो भी होगा वो डालकर खा सकते हैं, ऐसे खाली भी खा सकते हैं। आज तो हम हलवे के साथ ही खाने वाले हैं इनको, क्योंकि आज का असली माता का प्रसाद यही होता है, हलवा चना। तो देखिए यहाँ मैंने जीरा होने के बाद इसमें चने डाल दिए हैं, अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे थोड़े से मसाले, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डाल दी है मैंने इसमें लाल मिर्च, और एक चम्मच डाल दिया है अमचूर पाउडर, इसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें मैंने गरम मसाला, बस इतने ही मसाले डालूंगी। नमक इसके अंदर पहले से ही है, तो नमक मैंने इसमें ऐड अब नहीं किया है। तो अब मैं इनको चलाते हुए अच्छे से भून लूँगी, जब तक कि जो भी इनके नीचे थोड़ा बहुत पानी है वो सूख ना जाए। पानी वैसे था नहीं है, मैंने निचोड़ लिए थे अच्छे से, लेकिन फिर भी अच्छे से भूनना है इन्हें, तभी थोड़ा सा ये अच्छे लगेंगे, नहीं तो फिर हलवे के ऊपर डालेंगे तो पानी पानी पनियाले से लगते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, तो इनको अच्छे से भूनना है हमें, चला चला कर ही भूनेंगे अच्छे से। और कलर थोड़ा सा लाइट सा रह गया है इनका, मैंने इनको पानी में से ज़्यादा जल्दी नहीं निकाला था, कभी हार्ड हो जाएं, क्योंकि काफ़ी देर के उबले हुए रखे थे ये, उसके बाद मैंने पूजा वगैरह भी की है और छोले छोंकने ये सारा काम किया है, हलवा बना है, तो मैंने इनको पानी में ही रखा था जिसमें बॉयल किए हुए थे, अभी निकाले हैं। और अगर आपको डार्क कलर चाहिए चने का, ब्लैक चने होते हैं जो, काले चने, तो इनको उबलने के बाद हम पानी में से अगर निकाल के जल्दी रख दें तो फिर इनका कलर डार्क हो जाता है रखे रखे। तो देखिए इधर हलवा भी तैयार है और चने भी तैयार हो गए हैं और इधर छोले भी तैयार हो गए हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है छोले के ऊपर, एकदम हलवाई स्टाइल लग रहे हैं देखने में भी, और सच में खाने में भी हलवाई स्टाइल ही थे आज। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और आटा मैंने पहले ही गूंथ के रख लिया था,
तेल गरम होने के बाद अब मैं इसमें पूरी डाल लूँगी। और सबसे पहली पूरी मैं माता के भोग के लिए तैयार करूँगी। तो देखिए मैंने कढ़ाई में पूरी डाल ली है और एक एक पूरी ही निकालती हूँ मैं, आपको पता है। तो ऐसे नहीं कि मैं दो तीन पूरी एक साथ डाल लेती हूँ, एक एक बेलती जाती हूँ और एक एक ही निकालती जाती हूँ। और मैंने पहले ज़्यादा पूरी नहीं बनाई थी, बस चार पांच ही पूरी बनाई थी, माता को भोग लगाया था, क्योंकि आरती अभी हमारी बची हुई थी, ये इंतज़ार कर रहे थे आरती का भोग की वजह से कि भोग तैयार हो जाए तभी आरती करेंगे और साथ के साथ भोग लगा देंगे माता रानी को। और देखिए आज कन्या तो नहीं जिम पाएंगी, जैसे कि कंजक जिमाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आज वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सबको पता है लॉकडाउन में कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है और मंदिर वगैरह भी नहीं खुले हैं, और मैंने जाके भी नहीं देखा कि आज खुला है या नहीं। लेकिन पंडित के यहाँ भी मैंने कोई नहीं मतलब खाना वाना भिजवाया, पता नहीं ऐसे में कोई ले ना ले, तो मैंने तो सीधा अपनी गायों को खाना खिला दिया था, गायों के लिए ही पूरी बनाई। जितनी भी मैं जिस तरह से कन्याओं को खाना खिलाती हूँ उसी तरह से मैंने गायों का खाना निकाल दिया था। और फिर ये जाकर गायों को, डेयरी है मेरे पास में ही दूध की, तो वहाँ गायें हैं बहुत सारी, उनको ये खाना खिला कर आ गए थे, तो मैंने गायें जिमा दी थी कन्याओं के नाम की। तो इस तरह हुआ आज। देखिए जैसे भी है एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे भी है, ऐसे मन नहीं मानता ना खाली कि बस पूजा कर ली और खाना खा लो, क्योंकि जब हम पहले से ही करते आ रहे हैं, जो नहीं करते उनकी बात अलग है, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो देखिए यहाँ माता का भोग तैयार है, छोले, हलवा और चने और पूरी। तो यहाँ मैं माता को भोग लगा लूँ अब। और एक कमेंट था कि आप माता को भोग कैसे लगाते हैं। देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, माता भोग खाएगी तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें लगाना होता है, उनके सामने रख देते हैं और बोल देते हैं कि माता रानी आप भोग लगाओ। हाय, आज सुबह से मैंने आपसे अब तक एक भी बात नहीं की, क्योंकि जब सुबह वीडियो शुरू किया ना मैंने, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि पहले आपसे बातें करूं, तो मैं फटाफट से खाना बनाने लगी। पता ही है आपको आज फास्ट खुलना है, नवमी है, तो इसलिए फिर पूजा वूजा भी थी, तो इसलिए मैंने आज फटाफट से वीडियो ऐसे ही शुरू कर दी थी। तो अब आपसे मिल रही हूँ मैं अब भी, इसलिए पहले नहीं तो मैं और काम कर लेती, लेकिन पहले मुझे एक काम करना है, दही जमानी है। और एक कमेंट था कि दही जमानी, बताइए आप किस तरह से जमाती हैं, तो मैं यहाँ दही जमा रही थी, मेरे ध्यान आया चलो शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो किचन की हालत आप देख सकते हैं क्या हाल है, किस तरह बर्तन भरे हुए हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ, बस खाना बना है, पूजा कंप्लीट हुई है, अभी मैंने फास्ट भी नहीं खोला। हाँ ये इन्होंने खा लिया, अंश ने खा लिया, लेकिन ये तो चले गए यहाँ ऑफिस, आज इन्हें जाना ही पड़ा है राल में। बहुत मना की, बहुत कोशिश की कि काम चल जाए, लेकिन आज काम नहीं चला, आज तो जाना ही पड़ा, क्योंकि देखिए दूसरे के हाथ का काम है, अब जब प्रेशर आता है तो करना पड़ता है। अब देखते हैं कैसे, चले तो जाएंगे, अभी जल्दी निकल गए क्योंकि 10:30 तक हम जा सकते हैं थोड़ा सा कहीं इधर उधर, लेकिन उसके बाद पता नहीं आने में क्या होगा, कैसे आएंगे वो देखते हैं। तो बस आज का दिन तो ऐसे ही, काम थोड़ा सा ज्यादा सुबह को होता ही है क्योंकि खाना थोड़ा सा ज्यादा बनता है, और इस बार तो कन्या वगैरह नहीं जिमाई है, नहीं तो कन्या जिमाते हैं कम से कम 9, 10, 11 जितनी भी कन्या मिलती हैं, 8, 9, 10 जितनी भी होती है उतनी जमा देते हैं, 9 वैसे तो 9 जिमती हैं, लेकिन 7 मिल जाए, 7, 9, 11 जितनी भी मिलती है उतनी जमा देते हैं। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने कन्याओं के नाम का खाना गाय को भिजवा दिया है, डेयरी है पास में ही, तो ये गाय को जिमा कर आ गए हैं, मतलब हमारे ऐसा बोलता है गाय जिमाना, तो एक गाय को खाना खिला के आ गए हैं कन्याओं के नाम का। तो इस तरह से हुआ आज फास्ट का, तो ये खाना खिला के आए हैं गायों को, पास में डेयरी है तो दूर नहीं जाना पड़ता कि भाई कहीं दूर जाना पड़ेगा, और गाय ऐसे गली में आ जाती है, लेकिन इस टाइम तो नहीं आएगी। और फिर मैंने अलग अलग गायों को दिया है अलग अलग कन्या के नाम का, तो आज तो मैंने यही किया है बस। अब मैं पहले दही जमा लूं, दही जमानी थी ना, तो इसलिए वो कह रहे थे दही जमानी, बताइए कि किस तरह से जमानी, जिमानी जो भी आप बोलते हो, तो मुझे जिमानी थी, जो दही थी वो इन्होंने खा ली, कल की बची हुई थी, रात मैंने नहीं जिमाई, कल सुबह जिमाई थी। तो अब फिर सबसे पहले मैं, दूध काफी बचा हुआ है क्योंकि आज सुबह किसी की चाय वगैरह कुछ भी नहीं हुई है अब तक, सीधा इन्होंने खाना ही लिया है आज। और मैं अब सबसे पहले चाय पीऊंगी, मैंने अभी बताया कि कुछ भी नहीं खाया है, तो मुझे तो चाय पहले चाहिएगी, नहीं तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा। चाय अगर मैं ना लूँ ना तो फिर पूरा दिन बेकार, फिर मुझे सर के दर्द की दवाई खानी पड़ती है, तो इसलिए अब मैं पहले चाय बनाऊंगी, सबसे पहले दही जमाऊं फिर चाय बनाऊं।
तब फिर इस किचन की हालत ठीक करूंगी। सारे बर्तन, सब्जी, हलवा जो भी बनाया सब ऐसे ही पड़े हुए हैं अभी कढ़ाई में, तो ये खाली करूंगी सारे बर्तन, तब फिर सारे बर्तन साफ करूंगी। तो चलिए दही जमा लेते हैं, दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ मैंने दूध गरम कर लिया है, और दूध ज़्यादा गरम भी नहीं करना और कम गरम भी नहीं करना। देखिए इस तरह से मैंने हथेली पर रख लिया है दूध का भगोना, बस उतना ही गरम करना है, जैसे हम दूध पीते हैं उस तरह से करना है, ज़्यादा गरम नहीं और ज़्यादा ठंडा नहीं। ज़्यादा गर्म में डाल देंगे तो दही फट जाएगी, और ज़्यादा ठंडे में डालेंगे तो दही जमेगी नहीं। और देखिए ये 2 चम्मच मैंने दही ली हुई है, ये मैं इसमें डाल दूंगी, और ये घर की जमी हुई कल की दही है मेरी, तो उसी में से मैंने सुबह बाहर निकाल कर, सुबह क्या अभी 2 घंटे हो गए हैं करीब बाहर रखे हुए इसको, जब मैंने इसको बाहर निकाल कर रख दिया था तो थोड़ी पतली सी हो गई है। एकदम फ्रिज की डालेंगे तो थोड़ा दूध ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैंने जामन इसका बाहर निकाल कर रख दिया था। अब मैं इसको इस तरह से उछाल उछाल के फेंट लूँगी, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में और दूसरे बर्तन से फिर पहले बर्तन में, इस तरह से उछालते हैं, मतलब तोड़ना बोलते हैं इसको, जैसे कि हलवाई डेरी पे तोड़ते हैं, डेरी पे इसी तरह से दही जमाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेरी से ही दही आती है। जब पूरी फैमिली होती है तो उतना दूध नहीं बच पाता, तो फिर डेरी से ही दही लानी पड़ती है हमें, लेकिन अब फैमिली कम है, आधी है, तो दूध पूरा ले रही हूँ, तो उस वजह से मैं घर में ही दही जमा रही हूँ, दूध ज़्यादा ही बचा पड़ा रहता है। और देखिए इसके जो थोड़े से छींटे आ गए थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और देखिए ये है दही जमाने का सबसे सीक्रेट तरीका, एक हरी मिर्च लिए डंठल वाली जिसपे डंठल हो, और उसको मैंने अच्छे से धोकर दही में डाल दिया। इससे क्या होता है दही थोड़ी टाइट जमती है, ज़्यादा लिक्विड नहीं रहती। और अब मैं इस स्टैंड पर इसको रख दूंगी, नीचे नहीं रखूंगी, जिससे कि ये जल्दी ठंडी ना हो। और अगर सर्दी है तो आपको इसे किसी गर्म कपड़े में लपेट कर रखना पड़ेगा, या फिर आप आटे के डब्बे में रख सकते हैं, उससे इसकी तली में गर्माई रहेगी और ये ठंडी नहीं होगी, अच्छे से जम जाएगी। तो देखिए अब बना रही हूँ मैं चाय, जैसे कि बोला है कि अब मैं चाय पीने वाली हूँ, तो मैं अब अपने लिए चाय बना रही हूँ, बाकी काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी मैंने फास्ट नहीं खोला है। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है और चाय पत्ती डाल दी है, चाय क्या दूध चढ़ा दिया है, दूध में ही पत्ती लगा रही हूँ, और चाय पत्ती डाल दी है, और थोड़ा सा डाल दिया है इलायची पाउडर, आज मैं इलायची वाली चाय बना रही हूँ। अदरक तो अब बंद ही कर देंगे, गर्मी में हम अदरक की चाय नहीं पीते हैं, और जब अदरक एकदम छूटता है ना तो चाय ऐसे अच्छी नहीं लगती, थोड़ा बहुत या तो चाय मसाला या इलायची कुछ तो उसमें डालना पड़ता है, तो यहाँ मैंने इलायची डाली है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, चीनी अभी नहीं डाली है, चीनी बाद में डालती हूँ। तो देखिए और मेरे डब्बे में चीनी ख़त्म है, चम्मच भर नहीं रही है, हलवा बना लिया है मैंने डब्बे में से ही लेकर, थोड़ी सी चीनी बची थी तो वही मैंने डाल ली है, क्योंकि साथ में हलवा लेने वाली हूँ और हलवा है मीठा। तो बस यहाँ चाय अच्छे से पक गई है, और चाय थोड़ी सी अच्छे से पक जाए ना जब ही टेस्टी लगती है, ऐसा नहीं है कि बॉयल आ गया, उबाल आ गया और हम चाय को छान ले, तो ऐसे चाय अच्छी नहीं लगती, थोड़ी कड़ने के बाद कलर भी चाय का चेंज हो जाता है, बहुत अच्छे से अलग ही दिखती है कि हाँ अब चाय हमारी कड़ गई है। तो इस तरह से ही बनाती हूँ मैं चाय। तो देखिए यहाँ मैं चाय छान लूँगी, और किचन की हालत आज देखिए मत आप, बहुत गंदी हुई पड़ी है, क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लीन नहीं किया है मैंने, मैंने सोचा पहले चाय पी लूँ नहीं तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा। तो देखिए आप भी चाय पी लीजिए, हलवा और चना प्रसाद है। तो देखिए अब तक जाके मेरा काम खत्म हुआ है, जब मैंने चाय बनाई, फिर चाय पी प्रसाद के साथ, मतलब हलवा खाया, और फिर बैठ गई। अंश बोला आज मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, भैया से बात करता हूँ, भैया से बात करता हूँ, तो फिर श्रेय से बात करने लगे, आर्य से बात करने लगे, घर फोन किया, फिर मैं बैठी रही बहुत देर तक, मन नहीं कर रहा था एकदम काम पे लगने का बिल्कुल भी, इसीलिए मैं पूरा खाना नहीं खाती हूँ, जैसे ही फास्ट खुलता है मेरा तो पूरा खाना मैं कभी भी नहीं खाती, क्योंकि क्या है ना जब 9 दिन से भूखे रहते हैं, भूखे नहीं मतलब फिर भी हल्का खाना तो खाते हैं ना, इसी का नाम तो फास्ट है, अगर पेट भर के खाएंगे तो फिर फास्ट ही कहेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना लेते हैं, अन्न थोड़ा सा खाने के बाद क्या होता है नशा सा हो जाता है शरीर में, तो इसलिए मैंने नहीं खाया था खाना, और बस फिर बैठे रहे काफी देर तक, बैठे रहे, दूध वाला आ गया, दूध ले लिया, गर्म भी नहीं किया, ऐसे ही रख दिया, बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे, फिर काफी देर के बाद मैंने
सारे बर्तन देखिए आप जरा कितने बर्तन है। फिर मैंने सारा बर्तन एक एक करके खाली किए, फिर सारे साफ किए, दूध गर्म किया और खाना खाली करके बाहर रख दिया है। छोले बाहर रखे हुए हैं क्योंकि ये आए नहीं अभी, और मैं खाना तभी खाऊंगी जब ये आएंगे दोबारा से। मतलब ये तो खाएंगे ना आके, लंच काफी देर हो गई है, बल्कि लंच का टाइम हो ही गया है अब तो, लेकिन अभी तक तो नहीं आएंगे, तभी खाएंगे जब ये आएंगे। तो चलिए अब दही दिखा देती हूँ आपको, इतना टाइम तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ दही आपको कैसी जमी है। तो देखिए दिखाती हूँ आपको, दही पूरा टाइम नहीं हुआ है, अभी 2.5 घंटे हुए हैं, 3 घंटे तो चाहिए दही जमने को। थोड़ी सी अभी पतली जमी है, लेकिन फिर मुझे वीडियो का एंड करना है, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए मैं जल्दी दिखा रही हूँ। तो मैंने मिर्च बाहर निकाल लिया, जो हरी मिर्च डाली थी, और देखिए दही अच्छे से जम गई है। और घर की जमी हुई दही का टेस्ट अलग ही आता है, खट्टा मीठा बहुत टेस्टी सा। और फुल क्रीम की दही थोड़ी और थिक जमती है, ये मेरा मलाई उतरा दूध था इसलिए थोड़ी सी हल्की सी लग रही है, लेकिन बाद में फ्रिज में रखने के बाद अच्छी हो गई थी बहुत। और इस टाइम तो अब सर्दी भी नहीं है तो बहुत अच्छे से जम जाती है। अब मैं इसको चलाने के बाद अच्छे से फ्रिज में रख दूंगी तो बहुत अच्छी गाढ़ी दही हो जाएगी ये। कल मेरी बहुत अच्छी गाढ़ी दही हो रही थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि किसी ने मुझसे रेसिपी मांगी है इसकी, तो नहीं मैं कल दिखाती, बहुत टाइट दही जमी हुई थी। और ये भी शाम तक हो जाएगी, फ्रिज में रख दूंगी ना अब इसको तो बहुत टाइट हो जाएगी। लेकिन मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ, बस थकान सी हो रही है और ये भी नहीं आए अभी। मैंने सोचा चलिए वीडियो का एंड अभी कर देती हूँ, काफी लंबी हो भी गई होगी वीडियो, अभी मैंने देखी तो नहीं है कितनी हुई है, लेकिन बस अब एंड करती हूँ वीडियो का। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।